20 इंच के अलॉय हैं और 20 की एवरेज दे रही है। 20 की किसकी देती है नॉर्मल हाईवे पे? अच्छा, ग्रिल बम्पर मतलब आगे से एक तरीके से फेस लिफ्ट करा रखा है आपने। तो भाई आगे से भाई की है फेस लिफ्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गया। और आज की वीडियो आपको दिखाने वाले हैं ब्रीजा, तो भाई ये चेक कर। तो आज की वीडियो हमारे साथ है भाई, तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई, आप सुनाओ भाई। बिल्कुल बढ़िया। तो भाई क्या नाम है आपका? अंकित नाम है भाई। अंकित नाम है भाई का। और भाई की गाड़ी चेक करो भाई, क्या अल्टीमेट लग रही है। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि अपना मॉडल वगैरह कौन सा है? भाई ये 20 मॉडल है, डीजल 2020 डीजल है। हाँ जी। तो भाई डीजल है, कुछ इस तरीके फ्रंट से कुछ चेंज वेंज करा रखा है क्या इसकी? हाँ लाइट भाई, लाइट भी चेंज है आपकी। पेट्रोल वाली लाइट है? पेट्रोल वाली लाइट है भाई। हाँ हाँ। और ग्रिल भी चेंज है और बम्पर भी चेंज है। अच्छा, ग्रिल बम्पर मतलब आगे से एक तरीके से फेस लिफ्ट करा रखा है। तो भाई आगे से भाई की है फेस लिफ्ट। तो ये भाई LDI है, VDI कौन सी? ये VDI ऑप्शनल है। VDI ऑप्शनल। हाँ जी। तो भाई उस टाइम पे कितने क्या पड़ती थी डीजल? भाई ये पड़ती थी कोई 9.5 के अराउंड पड़ती थी। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने पेट्रोल वगैरह भी देखी होगी, तो पेट्रोल में मजा है, इसमें मजा है? भाई लेनी ही डीजल थी, बात ये। अच्छा, मेन बात ये की लेनी डीजल। लेनी डीजल। तो थोड़ा चला वाला के तो चेक करी होगी पेट्रोल वाली, या नहीं करी अब तक? पेट्रोल वाली का डीजल में जो पिकअप है ना, वो पेट्रोल में मजा नहीं है। जो मजा इसमें है ना, उसमें नहीं है। बस वो है कि कहीं ना कहीं 10 साल वाली वो बात आती है, बस 10 साल चलती है जो। चलाता कौन आज के टाइम गाड़ी, थोड़ी बहुत चलाता 4-5 साल फिर देख देता है। तो भाई ये है भाई फ्रंट से कुछ इस तरीके। भाई ये फेसलिफ्ट वगैरह में कितने क्या खर्चा आ गया आपका? भाई फेसलिफ्ट में जुगाड़ वगैरह लगवा के आपको पता, जुगाड़ से ही काम बनेगा, ऐसे तो बनेगा। बिल्कुल। तो यही कोई 20-25 हज़ार रुपए समथिंग खर्चा है। 20-25 हज़ार रुपए, क्योंकि अगर कंपनी से लोगे तो 42 हज़ार रुपए की लाइट है भाई इसकी। अच्छा, 42 हज़ार रुपए? हाँ, दोनों लाइट 42 हज़ार रुपए की है भाई। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताने वाले एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट का नाम है भाई caraccessoriesstore.net। तो भाई लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो बताता हूँ कि भाई किसी भी भाई को अगर हेडलाइट की दिक्कत है, परेशानी है बल्ब की, मतलब कि आपकी जो कंपनी फिटेड लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उजाला नहीं दे पा रही है रोड पे बढ़िया तरीके से, तो उन्हीं लाइट को अपग्रेड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया LEDs अपने लिए चूज कर सकते हो, जिनको आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हो खुद ही। तो घर बैठे भी आप इजीली मंगा सकते हो, हर तरीके की आपको LED लाइट्स मिल जाएगी आपके बजट के अकॉर्डिंग। और पेमेंट ऑप्शन भी अपने यार बहुत सारे मिल जाएंगे, AMI का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब कि आसान किस्तों पर आप भाई LED लाइट्स वगैरह या बेसिक जो एसेसरीज होती है कार की, जो भी आपको चाहिए सब A to Z मिल जाएगी। बात करते हैं, बहुत सी कार ऐसी होती है जिनमें भाई फोग लैंप भी यूजफुल नहीं होते, तो फोग लैंप भी आप अपग्रेड कर सकते हो। GTR के अपने फोग लैंप मिल जाएंगे, iPatch मिल जाएगा, जीवा का प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको, वो सारे आपको इसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। जिसको भी ऑर्डर करना हो इजीली कर सकते हो। बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स वगैरह भी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह, जो कि भाई ओरिजिनल होता है मारुति सुजुकी का, जैसे कि अपना टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग, मतलब कि जितने भी जिसकी कार बेस मॉडल है उसको टॉप भी बनानी है, तो उसके लिए भी आपको एसेसरीज वगैरह सारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके भाई क्लिक करें और ऑर्डर करें, और आसान किस्तों पे आप अपनी कार को भाई मॉडिफाइड करा सकते हैं। तो भाई ये कुछ इस तरीके की है, साइड में देखोगे तो भाई ये अलॉय व्हील्स आप देख रहे हो, तो ये है अपने 20 इंच की है ना? हाँ जी भाई। तो भाई ये ट्रायंगल का टायर है अपना कौन सा? हाँ जी भाई, ट्रायंगल का टायर। ट्रायंगल का टायर है 255/35R20। 20 इंच के भाई ये अलॉय व्हील्स है। तो भाई कटिंग वगैरह तो कहीं ना कहीं हुई होगी कार में? भाई कटिंग वगैरह कुछ नहीं है, ना उठवा भी नहीं रखी कुछ भी। अच्छा, ऐसी है, ऐसी है बस, मतलब वही है थोड़ी बहुत नाम किसी को भी टच होती है, वो भी माइनर है, बिल्कुल माइनर है बिल्कुल वो। अच्छा अच्छा, ये देखो और उधर पीछे की तरफ टच, कोई उठवा रखी कुछ नहीं करवा रखी। तो भाई कितने क्या पड़ी थी आपको? भाई अलॉय व्हील ये 20 इंची, मेरे पास 16 इंची थे, वो देने के बाद मुझे 70 के अराउंड पड़ गए थे टोटल अपने। 70,000? हाँ टोटल 70,000 रुपए के आसपास के भाई ये पड़े थे भाई को। और कितने की एवरेज निकाल देती है? भाई आपको चेक ही करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में, देख लेना। अच्छा, कम से कम ज्यादा है, कम 19-20 की एवरेज देती है। 19-20 की? इसमें 20 इंची है, 20 की एवरेज देगी भाई। अगर लोकल में चलाओगे, लोकल में देखो यार गाड़ी क्लिच बिजती है, गियर बदलते हैं, क्या हर चीजें होती है, तो 13-14-15 यही देती है। मतलब 20 इंच के अलॉय हैं और 20 की एवरेज देगी। 20 की किसकी देती है नॉर्मल हाईवे पे? भाई वाह, तो ये है भाई चलाने के ऊपर बात है। बिल्कुल, वो तो है, वो तो है। तो पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे भाई ने बस रिफ्लेक्टर ऐड ऑन करा रखे हैं, रिफ्लेक्टर करवा रखे हैं, ये स्मोक करा रहे हैं, रेड स्मोक करवा रखे हैं। तो ये है भाई कुछ इस तरीके। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में क्या क्या अपना भाई? सिस्टम में 2150 लगवा रखे हैं, और ये देखो भाई हेलमेट वाले स्पीकर। हां जी भाई, हेलमेट वाले। तो भाई ये कब लिए थे आपने, कैसे? भाई एल्टो थी मेरे पास आज से 10-11 साल पहले। तो एल्टो की चीज है, एल्टो की रखी, मेरे को लगा फट्टा भी एल्टो की रखा, फट्टा भी एल्टो की। भाई वाह, तो और ये बेस्टी हो गई। और अपना भाई फट्टा में बड़ा तो लगवा लेता, लेकिन वही है ना, कुछ अगर सामान आ जाता है। बिल्कुल। तो भाई ये कुछ इस तरीके स्पेसेस में, ये JBL की बेस्ट्यूब है, JBL की 1350। अच्छा, एम्प इसके अंदर अपने दो लगे हुए हैं, एक से बेस्ट्यूब चल रही है और एक से, तो दोनों ही 4 चैनल है अपने? नहीं, एक 2 चैनल एक 4 चैनल है। अच्छा अच्छा, तो ये है मतलब मोनो वगैरह नहीं है ना? नहीं, मोनो वगैरह नहीं है, मोनो वगैरह प्लान जब करूंगा जब डबल बेस्ट्यूब लगाऊंगा। अच्छा, तो भाई एक बार अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाते हैं अंदर से क्या क्या करवाया हुआ है।
तो भाई स्टार्टिंग ये कुछ वेलकम प्लेट से हो जाती है, वेलकम प्लेट के ऊपर का वो हटा हुआ है ना। हाँ जी भाई बिल्कुल। और येलो कुछ येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है अपना इंटीरियर के अंदर। हाँ जी। तो भाई ये देख लो, ये टेपिंग वगैरह भाई ने इसके ऊपर करवा रखी है, ये सीट कवर वगैरह हो गए। तो सीट कवर वगैरह में अपना कितना क्या खर्चा आया था भाई इसमें? भाई सीट कवर में वही येलो फिनिश और ये बकेट वाले लेदर करवाने के बाद वही 5500 के रुपए समथिंग आया। 5500 के करीब में भाई। तो ये कुछ इस तरीके का सारा इसमें रहने वाला है। तो बात करते हैं डोर्स में अपना क्या क्या लगा हुआ है। डोर्स में कंपनी का लगा हुआ भाई, कंपनी से लगा। हाँ कंपनी, क्योंकि भाई 2150 ये बहुत है, ये इनकी आउटपुट इतनी ज्यादा है ना भाई। ये तो है। और भाई एवरेज कह रहे हो तो भाई ये देख लो 19.2 की है, और ये भी वीडियो वगैरह बनाई है जो तेज वेज भगाई है उसमें कम होगी, वरना 20-21 की तो नॉर्मल हाईवे पे देती है। बिल्कुल देखो भाई आंखों के सामने है। ये तो है। तो आपको आउटपुट वगैरह सुनाने वाले किस तरह के आने वाला, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। सिस्टम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया आउटपुट आ रहा है अपना, है ना भाई। जो स्पीकर है ना हेलमेट वाले भाई, एक नंबर का आउटपुट दे रहे हैं, मतलब साइड का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि चल भी रहे नहीं चल रहे। जरूरत नहीं है कंपोनेंट लगवाने की, क्योंकि आवाज ही इतनी है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, सारी शौक की बात होती है, जो हाई एंड सुनता देगा वो फिर वो चेंज ही करता है ना। भाई को बढ़िया लग रहे हैं तो और क्या दिक्कत है ना, दुनिया का क्या लेना देना है भाई, जो अपने को पसंद हो बस वो करो ना। अब बहुत पब्लिक ये भी कहती है भाई वीडियो में भाई ये लगा दिया, बोला इससे अच्छा कुछ और ले लेते, ये कर लेते, वो कर। अरे भाई भाई के पैसे, भाई कुछ भी करे, आग लगाए पैसे में या कुछ भी करे, है ना। तो भाई ये है कुछ इस तरीके, हमने सब चीज दिखा दी भाई। तो भाई अब कितने क्या खर्चा कर रखा होगा इन पे पूरी गाड़ी पे, सिस्टम वगैरह अलॉय लगा के? अलॉय वही 70 केली वाला है, और 25 एक खर्चा इसमें हो गया फ्रंट वाले उसमें। हाँ। और सीट कवर वगैरह लगा के सिस्टम विस्टम लगा के भाई कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 से 2 के बीच में आया भाई, 1.5 से 2 के बीच में। तो भाई अपना इंस्टाग्राम के सामने रहने वाला है खारियन_001 नाम से। बिल्कुल जाके भाई को फॉलो कर लेना, हमें फॉलो कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।